दोस्तों, ये है बूस्टर एम्पलीफायर 1500 वाट का, जो कि असेंबल एम्पलीफायर है। इस एम्पलीफायर में प्रॉब्लम क्या है कि जैसे हम इसको लाइट में लगा देते हैं तो ये इसमें कोई भी सप्लाई शो नहीं करता है, कोई भी संकेत शो नहीं करता है, यानी कि ये टेम्प का प्रॉब्लम है इसमें। इस एम्पलीफायर में 20 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, एक साइड में 1943 और एक साइड में 5200। यहाँ पर मैं एम्पलीफायर का नाम हाइड करके रखा हूँ और मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो एम्पलीफायर असेंबल करते हैं भाई लोग, आप अपना खुद का ब्रांड बनाइए, आप किसी ब्रांड का नाम मत लिखिए। इस एम्पलीफायर में जो फ्यूज लगता है वह डायरेक्ट कर दिया गया है और यहाँ पे जब ऐसी समस्या आती है जैसे कि शॉर्टिंग की तरह, तो हम सबसे पहले ध्यान देते हैं ब्रिजी रिएक्टिफायर को। यहाँ पर मैं वायर को ओपन करके इसको चेक कर चुका हूँ, यह पूरी तरीके से सही है। फिर मैं दोबारा वायर को सोल्ड कर दिया हूँ। मैं उस टाइम का वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्रिजी रिएक्टिफायर बिल्कुल सही है 100%। यहाँ पर जो वायर आप देख रहे हैं नीला और लाल, ये ब्रिजी रिएक्टिफायर से होकर के ट्रांजिस्टर के एक साइड में प्लस पर, एक साइड के माइनस पर ये रहता है। इसको निकाल दें और एम्पलीफायर ऑन करें। अगर ऑन हो जाता है तो समझ लीजिए कि शॉर्टिंग का जो प्रॉब्लम है इसी ट्रांजिस्टर वाले सेक्शन से है। इन दोनों वायर को हम निकालने के बाद हम ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे। जैसा कि मैं दो ट्रांजिस्टर को खोज लिया हूँ कि यह 60 है, इसको हम कैसे चेक करेंगे। आर्डिनो ड्राइवर बोर्ड का जो कनेक्शन है यहाँ पर जो सॉकेट, इसको मैं निकाल दिया हूँ और अपने डिजिटल मल्टीमीटर को हम बीप की रेंज में रख लिए हैं और हम बारी बारी से ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे। अगर बीप की आवाज़ आती है तो हम समझ लेंगे कि ट्रांजिस्टर ख़राब है। ट्रांजिस्टर के एक हम बीच वाले पर पॉइंट पर रखेंगे मल्टीमीटर का वायर और एक दूसरे वाले पॉइंट पे। बारी बारी से इसी तरीके से हम चेक करेंगे। अगर बीप की आवाज़ आती है और मल्टीमीटर में शून्य दिखाता है तो यह ट्रांजिस्टर 60 है। बीप की आवाज़ शो नहीं करना चाहिए। आपने देखा कि दो ट्रांजिस्टर 60 हो चुके हैं। आप बिना रेजिस्टेंस को ओपन किए भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका जो प्लस माइनस का जो वायर गया है, मैं इसको निकालने के बाद आप देख सकते हैं मैं इसको ऑन किया एम्पलीफायर को, तो एम्पलीफायर ऑन हो गया है। अब इस वायर को हम जिस जगह पे था उसी जगह पे हम इसे सोल्ड कर दे रहे हैं। इसके बाद इसमें का जो ट्रांजिस्टर 60 है, मैं उसे बाहर भी निकाल के आपको चेक करवाऊंगा। वायर को मैं सोल्ड कर दिया हूं। अब इसके बाद इस ट्रांजिस्टर को भी मैं निकाल लिया हूं, देख सकते हैं। तो ये ट्रांजिस्टर को हम एक बार बाहर से भी टेस्ट कर लेते हैं अपने मल्टीमीटर के द्वारा। यह है जापान का 2SSC 5200 ट्रांजिस्टर और इसके बाद है यहाँ पे 2SA 1943 ट्रांजिस्टर। मैं ट्रांजिस्टर को चेक कर ले रहा हूँ, आप देख सुन सकते हैं इसका आवाज़ किसी भी एंगल से ये सही नहीं बता रहा है, 60 ही बता रहा है। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि दोनों ट्रांजिस्टर पूरी तरीके से 60 हैं। अब मैं इन्हीं दो ट्रांजिस्टर की जगह पर दूसरा नया ट्रांजिस्टर लगाऊंगा, 1943 और 5200। इन दोनों ट्रांजिस्टर को लगाने के लिए मुझे आवश्यकता पड़ेगी हीट सिंक पेस्ट की, जो कि यहाँ पर मैं ट्रांजिस्टर में हीट सिंक पेस्ट लगा दिया हूँ। इसके बाद मैं इसमें फिट कर दूंगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो रेजिस्टेंस है ये भी ख़राब हो गया है, जो कि कंटिन्यूटी या रेजिस्टेंस की रेंज में नहीं बता रहा है। ट्रांजिस्टर को लगाने के बाद मैं सोल्ड कर दिया हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं। और जो रेजिस्टेंस ख़राब था 5 वाट का, वो भी लगा दिया हूँ। एम्पलीफायर को मैं ऑन कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं सीरीज बहुत धीमा जल रहा है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है नहीं। दोस्तों, ये जो एम्पलीफायर में प्रॉब्लम हुआ था वो एम्पलीफायर पर ज़्यादा लोड देने से हुआ था, जो कि ट्रांजिस्टर हीट होकर के ख़राब हो गया था। ऐसी स्थिति में हम ब्रिजी रेक्टिफायर को चेक करते हैं और अगर वो सही है तो हम ट्रांजिस्टर वाले सेक्शन पर जो वायर गया है ब्रिजी रेक्टिफायर से, उसे हम हटा देंगे तो हमको मालूम हो जाएगा कि एम्पलीफायर 60 हुआ है या नहीं।
और इसका प्रॉब्लम एक जगह से और होता है, ऑडियो ड्राइवर बोर्ड में दो ट्रांजिस्टर लगा रहता है, MJE 15032 15033, ये भी शॉर्ट रहेगा तो ऐसा प्रॉब्लम होगा। उसके बाद भी सही नहीं होता है तो 12 या 24 वोल्ट का DC रिले लगा रहता है, उसे देख लें, रिले शॉर्ट होने की वजह से भी दिक्कत हो जाता है। आज बस इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।